चलिए आज करते हैं रॉयल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। शुरू में कुछ इजी प्रॉब्लम्स लेते हैं एंड उसके बाद कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर जो हॉर्स एक्सरसाइज में दी हुई है। देखिए, वेरीफाई रॉयल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log of x square plus ab upon a plus b into x on interval closed interval ab where a and b are positive real numbers. a and b are positive real numbers. It means a or b positive है, x भी positive integer में like positive interval में lie करेगा। logarithmic function ये क्या होगा आपका define होगा। देखिए यहाँ पर f of x है, एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एंड माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हमें तीनों कंडीशंस को ध्यान रखना है। नंबर वन कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल एंड एफ इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए देखिए क्या करते हैं, इसमें एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एंड दिस इज टू एक्स माइनस वन अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स एंड ए प्लस बी इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए प्लस बी हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वन अपॉन एक्स। अगर आपके पास यहां ए और बी इंटरवल जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें ये वैल्यू फाइनाइट होगी टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी सॉरी माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर से यहां पर एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ये दिस इज रियल रियल एंड फाइनाइट, ये रियल एंड फाइनाइट है, रियल और फाइनाइट है, इट मींस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश एग्जिस्ट करता है, फंक्शन इज सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए से बी। क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल है तो फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होगा। कोई भी फंक्शन डेरिवेबल होता है सर्टेन इंटरवल के अंदर, वो उसमें कंटिन्यूस जरूर होता है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया आपके पास, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो सेकंड क्या आएगा, एफ डैश एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल है तो ऑब्वियसली ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होगा। थर्ड कंडीशन है आपके पास, दिस इज एफ थर्ड कंडीशन, एफ ए निकालेंगे आप, एफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इनटू ए एंड एफ बी क्या होगा, एफ बी विल बी एफ बी एक्स की जगह बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इनटू बी, दिस इज कैंसल, दिस इज लॉग वन क्या आ गया जीरो एंड ये भी क्या है आपका जीरो। तो एफ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एफ बी आ गया। तीनों कंडीशन जो है रॉयल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स अगेन तीनों कंडीशन कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है एंड थर्ड कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। इट मीन्स क्या होगा आपका, दिस इंप्लाइज there exist at least one C belongs to AB interval such that
f dash c will be 0 and f dash c, f dash x kya aaya tha aapke paas, this was f dash x, so f dash c kya aa jayega, this is equal to c log of c square plus ab upon this is c square log of c square plus ab, this was x square plus this is ये आ गया आपके पास क्या f dash c, f dash c this was not log, क्या आ जाएगा x square minus ab, x square minus ab upon x c square plus ab और into c, this is equal to 0, f dash c क्या होगा यहां पर 0 होगा, तो यहां से c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, this is c square minus ab, माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के इक्वल है तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास रूट ए बी के इक्वल आ गया, एंड दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इट मींस क्या हो गया ऐसा एक हमें सी मिल गया जो ए और बी इंटरवल में है, इट मींस रॉयल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, सो रॉयल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड, और यहां पर c इज इक्वल टू क्या है आपके पास अंडर रूट ए बी के इक्वल, c इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट ए बी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, f ऑफ x दे रखा आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज e रेज टू पावर x इनटू cos x। अब देखिए नंबर वन, f ऑफ x इज product of two continuous functions, कौन से function है, these are hx ले लो, hx is equal to e raised to power x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है आपका कंटिन्यूअस। दूसरा जी एक्स ले लो, जी एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स, कोस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और ई रेज टू पावर एक्स भी, एंड दोनों का प्रोडक्ट है, तो एफ एक्स दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल दे रखा आपका क्या, दिस इज माइनस पाई बाय टू से, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये जब सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल में डेफिनेटली क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। एंड सेकंड देखिए, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स विल बी ई रेज टू पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स एंड प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज e raise to power x common area minus sin x plus cos x, तो यहां पर it is finite for all x belongs to minus pi by 2 से pi by 2, इसमें ये क्या open interval, इसमें सभी के लिए finite होगा, इसका मतलब derivable exist करता है, so इसका मतलब f x is derivable on open interval, this is minus pi by 2 से pi by 2, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन के लिए देखिए ये क्या कर रहा है, दिस इज थर्ड कंडीशन, ये f minus pi by 2 इज इक्वल टू क्या आएगा e raised to power minus pi by 2 और cos pi by 2, दिस इज 0 एंड एफ पाई बाई टू दिस इज आल्सो जीरो, दिस इज आल्सो जीरो, तो ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देर एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे आगे, देर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कम से कम एक सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर क्या लेंगे एफ डैश सी, एक्स की जगह सी रख दो, एफ डैश एक्स में क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज
f dash x ये e raised to power c into minus sin c plus cos c is equal to zero. अब e raised to power c जीरो नहीं होगा, ये इंफिनिटी जाता है, माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा c, तब तो क्या हो सकता है आपका जीरो हो सकता है, अदरवाइज e raised to power c जीरो नहीं होगा, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, ये फैक्टर क्या होगा आपका जीरो. This is cos है, cos c minus sin c is equal to zero और tan c is equal to one आ गया, तो c is equal to क्या आ गया आपके पास pi by 4 and pi by 4 belongs to minus pi by 2 से pi by 2 में belong कर रहा है. Hence Rolle's theorem is verified and c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, this is pi by 4. Pi by 4 इस इंटरवल में लाई करती है. तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करवाने के लिए आप तीनों कंडीशंस को शो करेंगे कि तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके बाद में जो डेरिवेटिव आता है एफ डैश एक्स आता है, एफ सी क्या होता है, सी इज रूट ऑफ एफ डैश एक्स का रूट होता है, सी इज रूट ऑफ एफ डैश एक्स, और वो रूट इसमें लाई करेगा, सी किसके बीच लाई करेगा, ए और बी के बीच लाई करेगा. देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, ये कहता है कि 2a प्लस 3b प्लस c 6c इज इक्वल टू जीरो, देन यूजिंग रॉल्स थ्योरम शो दैट द इक्वेशन ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हैज रूट्स बिटवीन 0 1, बिटवीन 0 एंड 1, चलो बिटवीन लिख दिया तो 0 एंड 1. अब देखिए रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो c रूट होता है वो f डैश x का होता है, और जिस इंटरवल में वो कंटिन्यूस और जिसमें डेरिवेबल होता है उस इंटरवल के विद इन वो c लाई करती है. तो यहां पर देखिए इसकी रूट निकालनी है हमें कि कम से कम एक रूट इसकी किसके बीच लाई करेगी, 0 और 1 के बीच लाई करेगी. अगर हम फंक्शन ऐसे डिफाइन कर लें जिसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, मींस क्या करें, इसका इंटीग्रेशन ले लो ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स के एक्स के बाई 2 प्लस सी एक्स, ये फंक्शन हमने एफ एक्स ले लिया. अब देखिए नंबर वन इट इज पॉलिनोमियल, दिस इंप्लाइज इट इज कंटिन्यूअस है. अब इंटरवल क्या ले, हमें रूट्स 0 और 1 के बीच निकालनी है कि इसके बीच है, तो इसको इसी इंटरवल में कंसीडर कर लो 0 से 1, तो ये फंक्शन सभी एक्स के लिए कंटिन्यूअस होगा, सो इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 टू 1, इसमें भी कंटिन्यूअस होगा. एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एफ डैश एक्स करेंगे, दिस इज 2ax plus b, this is derivative of this function, ax square plus bx plus c, ये आ गया derivative. तो इसका it is finite for all x belongs to 0 to 1, 0 से 1 के लिए ये finite होगा, it means f dash x exists or fx is derivable on 0 to 1 interval में derivable. थर्ड कंडीशन है f0 अगर फंक्शन में रखे हम तो दिस इज 0, f0 इज 0 एंड f1 आउटपुट कीजिए, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, दिस इज a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 3b
plus 6c, 6c upon this is 6, this is again 0, क्योंकि हमें given है कि 2a plus 3b plus 6c 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा, f 0 भी 0 है, and f 1 भी 0 है, तो तीसरी condition f 0 is equal to f 1, f 1 ये भी satisfy होगी, so all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. So इसका मतलब क्या होगा? This implies there exist C belongs to 0 to 1 at least one C. This is ये चीज जरूर लिखिए. At least one C belongs to 0 to 1 such that f dash c is equal to 0. F dash c is equal to 0. This implies f dash c क्या है? A f dash x में c रख दो. A c square plus b c plus c. C की जगह इसमें c इसमें आया हुआ है तो confusion ना हो इसके लिए k ले लो. K belongs to 0 to 1. This is f dash k is equal to 0. तो इसकी जगह लिख देंगे हम एफ के इंटू बी के एन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज के इज रूट ऑफ द इक्वेशन. किस रूट की ऑफ द इक्वेशन? ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब के किस इक्वेशन का रूट है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का. एंड सी लाई कहां कर रहा है? सॉरी, के लाई कहां कर रहा है? के लाइज बिटवीन 0 टू 1. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? के इसका एक रूट है, तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की एक रूट, कम से कम एक रूट 0 और 1 के बीच लाई करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है. ये कहता है कि एफ इज सच दैट F minus 5 to 5 changes to R. This is changes to R. Is differentiable. ये function आपका differentiable है. Is differentiable. F is such that minus 5 to 5 changes to R is differentiable function. Means इसका derivative इस interval में exist करेगा. And if f dash x does not vanish anywhere, f dash x कहीं vanish नहीं होता, कहीं zero नहीं होता है, then prove that f of minus x is not equal to f of x. हम इसको Rolle's theorem की help से prove करेंगे. Number one देखिए, since f x is differentiable on minus 5 to 5. So it is continuous on minus 5 to 5. ये कौन सा कंसेप्ट लगा दिया कि कोई भी फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो उस इंटरवल में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. सेकंड देखिए, सेकंड fx इज डिफरेंशिएबल ऑन माइनस 5 टू 5. क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है. दिस इंप्लाइज fx इज डिफरेंशिएबल ऑन माइनस 5 टू 5 ओपन इंटरवल. इसमें भी डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये बताया था आपको कि क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल जरूर होगा. क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस जरूर होगा. सेकंड थिंग अगर हम कंसीडर कर लें, f माइनस 5, लेट f माइनस 5 इज इक्वल टू f 5. तो यहां पर ये चीज हमने कंसीडर कर ली, तो
तो यहां से ये कर लो, इफ ये एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ फाइव ले लिया, तो तीनों चीज कंसिडर करने के बाद रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. दिस इंप्लाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ आर टी रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. दिस इंप्लाइज सो देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए. भी क्या है, दिस इज माइनस फाइव टू फाइव ओपन इंटरवल, क्योंकि इसी इंटरवल के अंदर तो हमने स्टडी किया है कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ फाइव है. तो इसका मतलब देर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू दिस सच दैट एफ डैश सी विल बी जीरो, एफ डैश सी विल बी जीरो. इसका मतलब है फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स व्हेन इट इज एट सी के ऊपर ये वैनिश हो जाता है, मीन्स जीरो हो जाता है. इसका मतलब एक पॉइंट वो आ गया जिसके ऊपर ये वैनिश हो जाएगा, जबकि इसने कहा क्या है, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, एफ डैश ये कहीं पर भी वैनिश नहीं होगा. यहां पर क्या दे दिया, एफ डैश एक्स वैनिशेस एट सी आ गया. अगर हमने दिस पोजिशन की है, ये पॉइंट इंक्लूड कर दे, तो ये क्या हो जाता है, डेरिवेटिव वैनिश हो जाता है. दिस इंप्लाइज विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आर सपोजिशन. सो आर सपोजिशन इज our supposition is wrong. Supposition is wrong, then f minus 5 cannot be equal to f 5. यहां पर यह contradiction to the given statement, क्योंकि contradiction उसी है, to the given statement. ये गिवन स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्शन आ गए, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव वैनिश हो जाता है, जबकि स्टेटमेंट ये कहती है कि डेरिवेटिव कहीं वैनिश नहीं होता. सो हमारी ये सपोजिशन के कारण ऐसा हाल हुआ, तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन ही गलत थी. इसका मतलब क्या होगा आपका, एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ फाइव. नेक्स्ट देखिए, इसमें कहता है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फ्रॉम द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, f of x is equal to x minus a raised to power m into x minus b raised to power m on the interval AB interval में where m and n are positive integers. So देखिए आपके पास क्या है, f x is equal to x minus a raised to power m x minus b raised to power m, interval दे रखा आपको AB. नंबर वन, अब देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका करेंगे, एक्स की डिक्रीजिंग पावर के अंदर एक्सप्लेन किया सकता है, दिस इज पॉलिनोमियल एंड ये भी इसी तरह से बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में. सो इट मींस एफ ऑफ एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल एंड दिस इज ए पॉलिनोमियल. So one, since fx is a polynomial, it is continuous.
पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा, ऑन सभी रियल नंबर के लिए है तो ए बी के लिए जरूर होगा। सेकंड, एफ डैश एक्स निकालिए, डेरिवेबल डेरिवेबिलिटी देखेंगे इसकी, दिस इज एक्स माइनस ए रेज टू पार एम एज इट इज, एन टू एक्स माइनस बी रेज टू पार एन माइनस वन, प्लस एम इंटू एक्स माइनस ए रेज टू पार एम माइनस वन एंड एक्स माइनस बी रेज टू पार एम, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए रेज टू पार एम माइनस वन एक्स माइनस बी रेज टू पार एन माइनस वन। अंदर क्या बचेगा आपके पास, दिस इज एन इंटू एक्स माइनस ए एन प्लस एम इंटू एक्स माइनस वन। ये अब यहां ए और बी आपके क्या है, आपके फाइनाइट नंबर है, रियल नंबर है, इनके बीच इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, इट इज फाइनाइट फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल, इसके लिए फाइनाइट। थर्ड कंडीशन देखिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए एक्स माइनस ए रेज टू पावर एम, ए रखेंगे जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो एंड दिस इज इक्वल टू एफ बी, इसमें ए फैक्टर जीरो हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ, दस आर द कंडीशंस, आर द कंडीशंस ऑफ आर टी आर सेटिस्फाइड, सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी विल बी जीरो एंड एफ डैश सी इसमें रख दो, सी ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड सी कैन नॉट बी इक्वल टू बी विद इन दिस इंटरवल लाइक दैट, तो यहां से क्या आ जाएगा, सी माइनस ए रेज टू पावर एम माइनस वन एंड सी माइनस बी रेज टू पावर एम माइनस वन इनटू क्या आएगा, ये दिस इज एम प्लस एन इंटू सी प्लस माइनस आई माइनस एम ए प्लस एन बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये फैक्टर तो जीरो है नहीं क्योंकि सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज नॉट इक्वल टू बी ऑल्सो, सो ये फैक्टर जीरो होगा, एम प्लस एन इंटू सी इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस एन इंटू बी, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन आर। सेक्शन फार्मूला से देखते हैं ये जो नंबर आएगा वो आपका विद इन ए बी इंटरवल के विद इन होगा एंड दिस बिलोंग्स टू ए बी, सो आर टी इज वेरीफाइड फॉर सी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। इस तरह से इसकी रॉयल्सन की तीन कंडीशन हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी शो करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।